लाइट वेट हैं और जो इन्वायरमेंटल नॉइस है उसको ये काफ़ी अच्छे से कैंसिल कर रहे हैं। तो देख लीजिए दोनों पर ये कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड फॉर कॉल एंड ऑडियो और यहाँ पर भी कॉल एंड ऑडियो के लिए, बहुत टाइट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और गेमिंग एसेसरीज लेके आया हूँ। ये है विंग्स के फैंटम 210। ये एक गेमिंग नेकबैंड है, इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा, अप टू 40 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। ये IPX5 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस हैं और इनमें ड्यूअल पेयरिंग की ऑप्शन भी है। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस गेमिंग नेकबैंड को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, ऑडियो को और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये सच में लेने लायक हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये सब। सबसे पहले देख लेते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। विंग्स के ये गेमिंग नेकबैंड आते हैं कुछ इस टाइप के डिब्बे में। कैसे ये नेकबैंड दिखते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये विंग्स के फैंटम 210 है, इसमें गेमिंग सराउंड साउंड इफेक्ट भी है, सीरी और गूगल असिस्टेंट्स की सपोर्ट है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी है। ये विंग्स के हैं, ब्लूटूथ 5.3 है, 40 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम है, ये IPX5 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस हैं, ड्यूअल पेयरिंग मोड है, टाइप सी चार्जिंग मिल जाएगी आपको इसके अंदर। ये दो कलर ऑप्शंस में आते हैं, ब्लैक एंड ब्लू। इसमें गेमिंग डिजाइन है, दैट्स वाई इसको गेमिंग नेकबैंड बोला जा रहा है। 15 मीटर्स की इफेक्टिव रेंज है, गेमिंग मोड विथ 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। 13 mm के ड्राइवर्स हैं। बॉक्स में MRP लिखी हुई है 2499 rupees, जबकि आपको ऑनलाइन इससे कहीं सस्ते मिल जाते हैं। 20 सर्टिफाइड हैं, किसने इसको बनाया है, किसने इसको इम्पोर्ट किया, यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये है बॉक्स जिसमें ये फैंटम 210 आते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। बॉक्स में सबसे ऊपर है ये गेमिंग नेक बैंड। वाओ क्या लुक है, क्या डिजाइन है। आगे डिब्बे में है एक USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स दिए गए हैं, एक यूज़र मैनुअल है जिसमें इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे इसको पेयर करना है, क्या इसके लेआउट है, डिब्बे में क्या क्या मिलता है, बटन यूजेस, ड्यूअल पेयरिंग, कॉल को कैसे कंट्रोल करना है, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स, ये सब कुछ बताए गए हैं। वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड है जिसमें QR कोड आपको मिल जाएगा और एक स्टिकर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो बस यही कुछ आता है इसके डिब्बे में। चलिए अब देख लेते हैं इस नेक बैंड को। वाओ अमेजिंग, क्या बढ़िया लुक है, आप देख सकते हो क्या बढ़िया लुक है। और ये कुछ इस टाइप से कानों में पहने जाते हैं, देख लीजिए काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट हैं और जो इन्वायरमेंटल नॉइस है उसको ये काफ़ी अच्छे से कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ईयर प्लग्स हैं ये काफ़ी अच्छे से कानों में फिट हो जाते हैं। तो दिखने में ये कुछ इस टाइप के नेक बैंड हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको सिलिकॉन मिल जाएगा जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी स्मूथ है, सो डैट कि आप इसको इजीली अपने नेक पर पहन सको। और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इसमें प्ले पॉज हो गया, प्लस माइनस बटन हो गया, ये इसका चार्जिंग पोर्ट हो गया, USB टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको लाइटिंग मिल जाएगी, माइक्रोफोन के लिए होल हो गया, इस साइड आई थिंक ये दो लाइट्स हैं और बैटरी आपको इन दोनों के अंदर मिल जाएगी। और ये हैं इसके ड्राइवर्स, और ड्राइवर्स के ऊपर भी आपको लाइटिंग मिलती है। ड्राइवर्स आपस में मैग्नेटिकली अटैच हो जाते हैं सो डैट कि आप इसको इजीली कंफर्टेबली अपने गले में पहन पाओ। और ये लेफ्ट वाला हो गया, लेफ्ट वाला ड्राइवर आप देख लीजिए 13 mm के ड्राइवर्स हैं इसके अंदर, और ये वायर मैश होगी। और ये जो ईयर प्लग्स हैं ये भी काफ़ी टाइटली फिट हो रहे हैं। सिमिलरली ये राइट साइड वाला हो गया और ये इसके ड्राइवर्स हो गए, काफ़ी टाइट हैं तो ईजिली ये खोएंगे नहीं। नो डाउट जो लोग इस टाइप के नेक बैंड्स को, ईयरफोन्स को यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा कि ये जो प्लग्स हैं ये ईजिली खो जाते हैं, जबकि इस केस में ये काफ़ी टाइट हैं तो ईजिली ये नहीं निकलने वाले, बहुत टाइट हैं। तो लुक एंड डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी बढ़िया कहूँगा। अभी दोस्तों लाइट नहीं जल रखी है, जब ये लाइट ऑन होंगी ना तब आप देखना कि कितना बढ़िया लगते हैं। तो डिज़ाइन लुक तो काफ़ी बढ़िया कहूँगा, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये नेक बैंड, ये नेक बैंड, और काफ़ी ईजली ये गले में कुछ इस टाइप से फिट हो जाते हैं और आप इनको काफ़ी ईजली काफ़ी कंफर्टेबली यूज़ भी कर सकते हो।
कुछ स्टेप से ये आपको दिखते हैं। चलिए दोस्तों अब इनको ऑन करते हैं और इन पर कुछ सुनते हैं। तो पावर बटन, यही बटन हो गया, इसको प्रेस करके मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। ओ वाओ, लाइट आप देख लीजिए, अभी ये पेयरिंग मोड पर है। मैं इसको अपने नोट 10 प्लस के ऊपर पेयर करने जा रहा हूँ, फैंटम 210। इस समय ये पेयर हो चुके हैं और ये कॉल और ऑडियो दोनों के लिए कनेक्टेड हैं और बैटरी ही इस समय 60% चार्ज है। चलिए दोस्तों अब इस पर कुछ सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको पहन लेता हूँ एंड देन आफ्टर चलाते हैं इस पर कुछ। नो डाउट दोस्तों आवाज़ इनकी काफ़ी बढ़िया है, बास को तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से प्ले करते हैं। मैंने इससे पहले भी विंग्स के और प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स किया है, इनमें बास तो काफ़ी बढ़िया मिलता है और जो हाई टोन्स हैं मिड टोन्स हैं उनको भी ये काफ़ी अच्छे से प्ले करता है। तो मतलब कि यह है कि इस पर गाने काफ़ी अच्छे आपको सुनने को मिलेंगे और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 40 आवर्स तक इसकी बैटरी चल जाती है। तो साउंड के मामले में, आवाज़ के मामले में तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया है ये नेक बैंड। चलिए दोस्तों अब इस पर कॉल करके भी देख लेते हैं कि कॉलिंग के दौरान हमें कैसी आवाज़ सुनती है और इसका माइक्रोफोन भी कैसे वर्क करता है। इस समय मैं अपने नोट 10 से इस ROG 3 फोन पर कॉल कर रहा हूँ और ये जो कॉल है ये इस समय इसी माइक्रोफोन के थ्रू कनेक्टेड है, फैंटम 210 कनेक्टेड है। तो अभी दोस्तों जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो इसी के माइक्रोफोन की है, तो क्वालिटी आपके सामने है। हेलो टेस्टिंग दिस माइक, हेलो टेस्टिंग दिस माइक, दिस इज फैंटम 210 फ्रॉम विंग्स, इट इज अ गेमिंग नेक बैंड, हेलो टेस्टिंग दिस माइक। तो माइक्रोफोन भी काफी बढ़िया है और दोस्तों इन नेक बैंड्स में आपको म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इस मल्टी फंक्शन बटन को टैप करके गाने को प्ले पॉज कर सकते हो, ऊपर वाले प्लस बटन को टैप करके आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो और नीचे वाले बटन को, नेगेटिव वाले को प्रेस करके आप वॉल्यूम को कम कर सकते हो। अगर आपको ट्रैक में आगे जाना है तो आप इस प्लस बटन को टैप एंड होल्ड कर दीजिए तो ये ट्रैक को नेक्स्ट पर ले जाएगा, और अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो नेगेटिव बटन को टैप एंड होल्ड कर दीजिए 2 सेकेंड के लिए तो ये ट्रैक को पीछे ले जाएगा। आप इससे गूगल असिस्टेंस और सीरी को भी एक्सेस कर सकते हो, इसके लिए दोस्तों आपको इस मल्टी फंक्शन बटन को टैप एंड होल्ड करना होगा। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको इस पर गूगल असिस्टेंस और सीरी की भी सपोर्ट मिलती है। और दोस्तों आप कॉल को भी इससे डायरेक्टली हैंडल कर सकते हो, आप इनकमिंग कॉल को आंसर कर सकते हो इस मल्टीफंक्शन बटन को एक बार टैप करके, आप ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो अगेन इस बटन को टैप करके, आप लास्ट डायल नंबर को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, उसके लिए आपको इस मल्टीफंक्शन बटन को 2 बार प्रेस करना होगा तो जो लास्ट डायल नंबर है वो अपने आप डायल हो जाएगा, डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आप इस नेक बैंड को 2 डिवाइसेस के साथ एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इस समय ये कनेक्टेड है फैंटम 210 मेरे नोट 10 प्लस के साथ, और अगर मैं इसको ROG फोन पर कनेक्ट करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो मुझे इसको बंद करना होगा, टैप एंड होल्ड कर लेते हैं ताकि ये बंद हो जाए, बंद हो गए ब्लूटूथ को ऑफ कर देते हैं, और दूसरे फोन पर जिस पर मुझे इसको कनेक्ट करना है वहां पर मैं ब्लूटूथ को ऑन कर लेता हूं और इसको भी ऑन कर देता हूं तो फैंटम 210 दिखा रहा है। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं तो ये पेयर हो चुका है, और उसके बाद पहले फोन पर मैं फिर से इस पर टैप करके इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख लीजिए दोनों पर ये कनेक्ट हो चुका है, कनेक्टेड फॉर कॉल एंड ऑडियो, और यहाँ पर भी कॉल एंड ऑडियो के लिए, तो दोनों फोन पर ये कॉल एंड ऑडियो दोनों के लिए कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे मैं दूसरे फोन पर म्यूजिक को या फिर वीडियो को देखता हूँ तो ये पहले पर
पॉज कर देता है, और जैसे पहले पर देखता हूँ तो दूसरे पर पॉज कर देता है, तो ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। ऐसे अगर आप दूसरे फ़ोन पर कॉल आ रही तो पहले फ़ोन पर अगर कोई ऑडियो चल रही है, म्यूज़िक चल रहा है, तो उसको ये पॉज कर देगा। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इन हेडफोन्स पर देखने को मिल जाएंगे। और आप इन हेडफोन्स को चार्ज कर सकते हो विद USB टाइप सी चार्जिंग एडेप्टर या फिर पावर बैंक। और ये नेकबैंड एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद अराउंड 40 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम और 35 आवर्स तक का टॉक टाइम दे देते हैं। तो लुक एंड डिज़ाइन बढ़िया, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, इसमें आपको बढ़िया लाइटिंग भी मिलती है, 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, तो आप इसको गेमिंग के दौरान काफ़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी लेटेंसी नहीं सुनने को मिलेगी, कोई भी डिले नहीं मिलेगा। और लुक तो आपने देख लिया, बाकी ऑडियो की बात करें तो ऑडियो वाइज भी काफ़ी बढ़िया हैं, आपको काफ़ी अच्छे से ये हाई टोन्स, लो टोन्स और मिड टोन्स को सुनाते हैं। माइक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और सबसे बढ़कर ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, आप इसको काफ़ी ईजली अपने गले में पहन सकते हो। तो लुक एंड डिज़ाइन बढ़िया, ऑडियो बढ़िया और माइक भी बढ़िया, तो मैं तो दोस्तों इनको रेकमेंड करता हूँ, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके भी इसको खरीद सकते हो। तो ये रहे विंग्स के फैंटम 210 आ गेमिंग नेकबैंड, तो मैं तो इनको रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप बताइए कि आपको ये नेकबैंड कैसे लगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर डिस्टर्ब की वीडियो मिस ना पाए। नमस्कार, बाय बाय।